सुबह नया रंग लाएगी, मेरे गीतों को सारी दुनिया गाएगी गाएगी गाएगी। कुछ भी रुकता नहीं है, हमेशा सब चलता रहता है। लाइफ जिंदगी है, जीवन है, कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना ही हमारा उद्देश्य है। और हमारा द फर्स्ट लेडी का भी यही मानना है कि जीवन कहीं रुकता नहीं है। जैसे पानी, एक नदी जो है हमेशा बहती रहती, रुकती नहीं, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी कहीं ना कहीं जाके गंध देने लगता है। तो जीवन भी ऐसा, इसको बहने दें, आराम से खुल के बहने दें, इसको रोके नहीं। ना ही जैसे कि आरती जी ने बोला है कि रुकता कुछ नहीं है, इसको चलने दे। ऑलवेज होप, हमेशा आगे होप रहती है कि हो सकता है आज अच्छा नहीं है तो हो सकता है आगे कल बहुत अच्छा होने वाला है। अपने बच्चों को, तूफान तो आते ही रहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनको रोके नहीं, क्योंकि वो बहुत नाजुक है, उनको पता नहीं उनको क्या करना है, खाली आप उनका साथ दे सकते हैं। तो परिसर आशा जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, नई प्रेरणा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार या दूसरे स्कूल भी उनके जो एजुकेशन लर्निंग मटेरियल को अपनाएंगे और बच्चों के जो कंधों पे बहुत हैवी वेट हो गया है उसको कम करने में उनकी मदद करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि सुनहरा भविष्य देश का हो, बच्चों का हो। परिसर आशा की शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसी है? परिसर आशा की हमारी एक फिलॉसफी है, एक पैडागॉजी है कि जिसमें ईज़ ऑल यानी एनवायरमेंटल स्टडीज अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग। तो इसमें ऐसे होता है कि जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज के माध्यम से हम लोग एनवायरमेंट का उनको एहसास करा के देते हैं, एक इस तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है क्लासरूम में कि बच्चा खुद से सीख पाए। क्योंकि मे बी एज अ टीचर आप दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर है, लेकिन अगर वो जो लर्नर है, वो बच्चे का या फिर कोई भी लर्नर है वहाँ पे, अगर उसका ध्यान वहाँ पे नहीं है, उसके दिमाग में कोई अलग अलग दूसरी चीज़ें चल रही हैं, तो आप कभी भी उसको पढ़ा नहीं पाएंगे। तो अभी वो जो पढ़ाने का जो ये है, मतलब इंटरेस्ट बनाना, हाँ इंटरेस्ट बनाना, और जो अभी टीचिंग ऑब्सोलेट होता जा रहा है, अभी लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है इंटरनेशनली भी। तो हमें एक ऐसी प्रणाली, मतलब परिसर आशा प्रदान करता है कि जिसमें टीचर्स को बहुत सपोर्ट होता है कि किस तरह से वो टीचर्स क्लासरूम में एक्टिविटीज डिजाइन करें। हमारा बेसिकली जो है वो SSC बोर्ड के करिकुलम पे डेवलप हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट है, यू हैव टू फॉलो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम लोग वही टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, बट जो उसको पढ़ाने का जो तरीका है वो तरीका कम्प्लीटली इंटरनेशनल अप्रोच है। तो लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि बहुत से पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि ये इंटरनेशनल हम लोग सोच क्या करेंगे, हाँ इंटरनेशनल भी करते हैं तो फिर बच्चा लिख नहीं पाता। तो देयर हैज टू बी अ सिस्टम कि जहाँ पे वो लिखना भी उसको उतना ही आना चाहिए, बातचीत करना भी आना चाहिए, एट द सेम टाइम कॉन्सेप्ट्स भी उसके सही क्लियर होने चाहिए, और उसके साथ साथ जिसको एटीट्यूड एंड वैल्यू डेवलपमेंट है वो भी बच्चों में होनी चाहिए। तो इट्स अ कम्प्लीट होलिस्टिक अप्रोच जो हम लोग स्कूल्स को हेल्प करते हैं, हम लोग डायरेक्टली हम लोग बच्चों के साथ नहीं करते। अब टीचर्स के थ्रू करते, क्योंकि अगर एक टीचर को हम लोग एम्पावर करते हैं तो 50-60 बच्चों का वहाँ पे वो शी कैन टच देयर लाइफ। तो हम लोग टीचर को ऑलवेज बोलते हैं कि टीचर इज अ रोल मॉडल। आज अनफॉर्चुनेटली बच्चों के सामने रोल मॉडल्स हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं या हॉलीवुड स्टार्स हैं। शिक्षक हमेशा से ही गुरु थे, हाँ। उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, बोला भी गया है कि गुरु से पहले, भगवान से पहले गुरु का स्थान है। तो वो एक पेरेंट्स को भी बच्चों को बताते रहना चाहिए कि अपने जो गुरुजन हैं उनकी आदर सम्मान करें, जो कम हो रहा है। नहीं, इनफैक्ट इसके लिए हमने, क्योंकि क्या है ना, आज कोई टीचिंग प्रोफेशन में आना नहीं चाहता, आज सब लोगों को बहुत पैसा कमाना है, एंड इट्स वैलिड, मतलब कोई नहीं बोलेगा, बट जो पैशन पहले के जमाने में शिक्षकों में होता था, जिस जहाँ पे हम लोग गुरु का दर्जा देते थे उनको,
गुरुजी तो मतलब अगर आप पहले की जो हमारी शिक्षा प्रणाली देखे कि जहाँ पे एक पेड़ के नीचे भी वो गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है, बट आज अनफॉर्चुनेटली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है बट ज्ञान नहीं मिल रहा है वहाँ पे, ज्ञान नहीं मिल रहा है, ना वो शिक्षक है ना वो गुरु है. तो हम लोग वी वॉन्ट टू ब्रिंग बैक दैट पैशन इन टीचिंग, क्योंकि अगर आपके पैशनेट टीचर्स नहीं रहेंगे यू विल नॉट हैव पैशनेट स्टूडेंट्स. तो ये जो पैशन पूरा बहुत मिसिंग है. कि आज कोई भी किसी भी करियर में दे आर नॉट हैप्पी. वो क्यों हैप्पी नहीं है? क्योंकि वो मन से नहीं करते, वो दिल से नहीं करते, सिर्फ पैसे के लिए करते हैं. आज आधा से ज्यादा मतलब सारी चीजें हम लोग पैसे के लिए ही करते हैं. पैसा इम्पोर्टेंट है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बट उसके साथ में जो आपको एक खुशी मिल रही है वो मिसिंग है. आपके जीवन का कुछ तो एक अर्थ होना चाहिए. हर एक की जिंदगी का कुछ ना कुछ तो अर्थ होता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता जिंदगी कब खत्म हो गई. तो यहाँ पे परिसर आशा वॉन्ट्स टू क्रिएट सेंसिबल एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, जो ना केवल सिर्फ अपने बारे में सोचे बट हमारे पूरे आजू बाजू के जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो समाज है, समाज के बारे में भी सोचे. तो वो सेंसिटिविटी किस तरह से हम लोग डेवलप कर पाएंगे बच्चों में? तो ये कंप्लीट होलिस्टिक जो प्रोग्राम है हम लोग देते हैं, इसके साथ साथ में मतलब जो हम लोग स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट करते हैं उसके साथ में हम लोग बहुत से अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं. अगर किसी टीचर को आपके संस्था के साथ आके जुड़ना है या सीखना है फिर आगे सिखाना है तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं. और एक्चुअली हम लोग वैसे बहुत से वर्कशॉप्स करते रहते हैं, हमारे ऑफिस में भी बहुत से वर्कशॉप्स, जैसे बहुत सारी, जैसे ये हमारे मैगजीन का तो यही उद्देश्य है कि जो लेडीज हैं जो कुछ करना चाहती हैं वो आगे आए और कुछ करें. मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, नॉलेज लें, आप शिक्षा ले लें, टीचर्स ट्रेनिंग ले लें और आगे जाके शिक्षा दें. क्योंकि इससे बड़ा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता है. जो काम आप लोग कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए, उसको तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए एक्चुअली. तो उनके लिए आप क्या संदेश दें, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे उस लेडीज़ को जो घर पर बैठ के या कुछ करना चाहती, गृहिणी है स्पेशली, तो उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है. क्योंकि आज अगर मे बी वॉट एवर रीजन्स कि अगर पति का कुछ प्रॉब्लम है, सास ससुर का प्रॉब्लम, जिसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम है, बट एज अ मदर वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरह से अच्छे संस्कार बच्चों को बिल्कुल दें. जी बिल्कुल. उसके ऊपर आप मतलब यू कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस कि बिकॉज ये फैक्टर था वो फैक्टर था बच्चा बिगड़ गया या सीख नहीं पाया. तो प्लीज बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए. ध्यान देना यानी कंटिन्यूसली उनके पीछे लगना ऐसे नहीं है, बट बच्चों के लिए आप उनको एक दोस्त की तरह आपको उनके साथ बिहेव करना है. उनको वो कॉन्फिडेंस देना है कि मेरा तेरे पे पूरा भरोसा है. आत्मविश्वास आत्मविश्वास ताकि वो एक अच्छा और एक हुनर नागरिक बन के निकले. और मैं इनफैक्ट हम लोग पेरेंटिंग सेशन में मैं ऑलवेज पेरेंट्स को, माँ स्पेशली मम्मीज को पूछती हूँ कि कितने मदर्स हैं कि जो आज बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं. क्योंकि आज सब लोग आई एम श्योर हर सब लोग हुक्ड है, बिजी है सेलफोन के साथ, भले आप घर पे हो बाहर हो यहाँ हो. तो वी आर वर्चुअली कनेक्टेड बट वी आर डिस्कनेक्टेड विद ईच अदर. यस, बहुत बुरी बात है. मदर्स प्लीज मेक नोट कि बच्चों के साथ डायलॉग बनाए रखें, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखें. अगर आपको आपका बच्चा आपको चाहिए कि वो ये सेंचुरी में 21वीं सदी में वो सक्सेसफुल हो, तो एक मंत्रा है हमारा स्पेशली, तो वो मंत्रा मैं आपको देना चाहूँगी. एंड इट्स नॉट अ मंत्रा एक्चुअली जो हमने नहीं डिज़ाइन किया, इट्स वर्ल्ड वाइड इट इज़ एक्सेप्टेड फॉर एजुकेशन स्पेशली, कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है जिंदगी में 21st सेंचुरी में, आई एम श्योर सबको ये मंत्र चाहिए होगा. तो आपको 4 सीज ध्यान में रखने. सी यानी दीज वर्ड्स जो चार शब्द है वो सी से, कैपिटल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी से चालू होते हैं. तो ये जो है वो स्किल्स है जो आपको हर एक में आज सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है. तो उसमें सबसे पहला मंत्रा जो है वो है क्रिएटिविटी. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी. सो क्रिएटिविटी सबको पता ही है क्रिएटिविटी क्या चीज़ है. सेकेंड है कम्युनिकेशन. ओके, यू नीड टू नो हैव गुड रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन. जैसे
नॉट ओनली कि आपको किसी के सामने आपको बात करनी है, कुछ करनी, इवन घर में आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आज इतना मिसकम्युनिकेशन है इवन घरों में, पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं प्रॉब्लम है, मे बी सास ससुर है या फिर कोई भी रिलेशन है, आज कम्युनिकेशन जो मेरे मन में है वो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उसी के वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आपके घर को घर में भी होते होंगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन कम्युनिकेट वेरी वेल विथ ईच अदर। तो देयर हैज टू बी सम स्टेप्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा है घर में, तो इमीडिएटली आपको स्टेप्स लेने हैं। अगर आपको एक स्टेप डाउन भी नीचे उतरना है किसी के साथ, उसमें ईगो हर्ट नहीं होता, फाइनली हमारा ही घर है। ईगो ने आजकल बहुत ऊपर स्थान ले लिया है। एब्सोल्युटली। तो प्लीज मेक श्योर कि यू कम्युनिकेट, योर चिल्ड्रन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, योर बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ देयर इज अ गुड कम्युनिकेशन। सो सेकंड इज कम्युनिकेशन। थर्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि सोचना। हम लोग तो अननेसेसरी जो नहीं चाहिए वो सोचते रहते हैं। मैं बोलने वाली थी वही। क्रिटिकल थिंकिंग को हमने कुछ और बना के रख दिया है। बट ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे, हम कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है प्रॉब्लम से, तो एक्सेप्ट करो कोई भी प्रॉब्लम आता है, बट उसके ऊपर हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं, दैट मेक्स यू नो लाइक यू एज अ सक्सेसफुल वुमन। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये जो सारी खूबियाँ हैं वो मतलब आदमियों से ज़्यादा औरतों में बहुत है, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते, उसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते। सो प्लीज मेक श्योर कि वो पेशेंस लेवल उनमें इतना हाई रहता है कि वो खुलने के बजाय दबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन जैसे हमने बोला मिसिंग है वो। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ इज कोलैबोरेशन। सो कोलैबोरेशन आज जिंदगी में मैं ऑलवेज बताती हूँ कि यू नो इवन बच्चे का जन्म होने के लिए यू नीड टू पीपल, राइट। मरने के बाद चार लोग तो चाहिए ही चाहिए कंधा देने के लिए। तो इसमें मतलब आप पूरी जिंदगी भर आपको एक दूसरे का साथ चाहिए ही चाहिए। तो कोलैबोरेशन, आज कोई भी इंसान अकेला नहीं, वी आर सोशल एनिमल्स, अकेला नहीं रह सकता। तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपके बच्चे whether they are interacting with other children or not, ये तो चार C's हो गए। उसके साथ में आपको दो attitude and value की ज़रूरत है। मतलब ये चार C's अगर आपको आ गए तो उसमें आपको एक attitude अपने आप आ जाएगा, that is confidence, right? अपने वो confidence आएगा कि भले कुछ भी मुसीबत आ जाए मेरी ज़िंदगी में, मैं उसका डट के मुकाबला करूँगी and I'll be the winner वहाँ पे। And उसके साथ में जो दो P, letter P, तो ये पी है वो है एक तो पैशन चाहिए आपको, जो कुछ भी कर रहे हो उसमें पैशनेट। अगर आप घर पे कुकिंग भी करते हो तो अगर रो के करना ही है करके इस तरह से खुशी खुशी कीजिए, तो खुशी खुशी कीजिए, क्योंकि वो जो गुड वाइब्स है आपकी, वो जो गुड वाइब्स आपके घर को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा खाना वैसे सोच। सो अ गुड एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ। तो हम लोग बहुत काम करते हैं, जैसे हम लोग स्कूलों का एनवायरनमेंट, हमारा जो पूरा फिलॉसफी है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हर एक पेरेंट को कि भले दो बातें सुन लो किसी की, लेकिन अगर आपका घर का एनवायरनमेंट उससे दूषित होने वाला है तो वो चीज़ें मत करो। मेक श्योर कि बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार ना आए कि झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग बट एक दूसरे के साथ मतलब बिल्कुल तैयार नहीं रहते सुनने के लिए, बात तैयार नहीं है। बट हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि जब भी आपने बच्चे को पैदा किया है देन नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे ने तो एप्लीकेशन नहीं किया था आपके लिए मुझे, सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली टिल द टाइम दैट बच्चा बिकम्स एडल्ट। एंड आप उसको एक मतलब जब भी आप दुनिया में बच्चा खड़ा होगा तो यू कैन से प्राउडली कि ये मेरा बेटा है करके, या ये मेरी बेटी। ये एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं, पूरी उम्मीद करते कि सब पेरेंट्स ये वीडियो देखें और समझें और अपने बच्चों को समझें, खुद को समझें और उनके साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छा आगे अपने आप को भी अच्छे से प्रूव कर पाए। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेंगे उनको जो करना है। तो ये तो एक पी हो गया जिसको पैशन है, और उसके साथ में एक है दैट इज पॉजिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो यू हैव टू बी पॉजिटिव. जो कुछ भी हो रहा है जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, उससे अच्छा निकल के आता ही है. इट्स नेचर्स लॉ, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ही. तो कभी कभी लाइफ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है. Yes, so one more P, patience. Patience, one more P. तो हो सकता है कल का दिन और अच्छा हो, बहुत अच्छा. So be positive. Yes, yes. See, positivity हर एक को चाहिए. मतलब वो इनफैक्ट जब भी हम लोग टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स करते हैं या फिर और किसी के साथ करते हैं तो वी वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स आर सो इम्पॉर्टेंट. कि आज डिग्रीज तो आपको कचरे के भाव में मिल सकती है डिग्रीज, बट एक दूसरे के साथ, मतलब अगर समाज में आपको रहना है तो एक दूसरे के साथ रहने का तरीका भी तो आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. आपका जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह के आपके मैनरिज्म्स हैं, जिस तरह से मतलब कम्युनिकेशन है, ये सारे, और जिस तरह के इंसान आप हैं, जिस तरह की सोच आप रखते हैं, दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कि अगर आप में हुनर है, काबिलियत है और आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए संस्था के साथ और आपका ज्ञान का जो प्रकाश है वो आगे बढ़ाने में, उसको और आगे आगे लेके जाने में हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि आज पूरे देश को आपकी ज़रूरत है. ये पूरा देश इंतज़ार कर रहा है सुनहरे भविष्य के लिए. आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज हमारे साथ जुड़ी. बहुत बहुत अभिनंदन आप यहाँ आए, इतना कीमती समय हमें दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आरती जी.